प्लीज़ यहाँ जल्दी से जल्दी कुछ हेल्प भेजें, हमें निकालें, और कुछ ऐसी हेल्प जो जेन्युइनली हमारे लिए हो, ना कि उसका फ़ायदा कोई और उठाए कि जैसे रेलवेज है तो यूक्रेनियंस वहाँ पे जा रहे हैं और हमें वहाँ पे हेरासमेंट हो रही है, कि मतलब हमारी हेल्प ही नहीं हो रही है वहाँ पे। हम जा रहे हैं वहाँ पे और एक तो रिस्क में जा रहे हैं कि वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है या स्ट्राइक्स हो रही है, और फिर भी हमें वहाँ से धकेल के बाहर भेजा जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हम बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली हम बच्चों के लिए कुछ एक जेन्युइन सा रेस्क्यू प्लान बनाएं, जिस हम जल्दी घर आ सकें। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के घनोटू अंकुर चंदेल यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन से अपने पिता को वीडियो संदेश भेजा है। इनमें उन्होंने कहा कि पहले भारतीय को रेलवे स्टेशन पर नहीं बिठाया जा रहा था, केवल 20 से 25 छात्राओं को ही ट्रेन में बिठाया गया, बाकी सभी खार्किव के निकट रेलवे स्टेशन में ही फंसे हुए हैं। अंकुर ने कहा कि दिन भर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन नहीं मिली। विद्यार्थियों को 15 किलोमीटर दूर एक अज्ञात स्थान पर रखा गया है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दिन में विशेष ट्रेन से पोलैंड भेजने की बात हुई थी, लेकिन हजारों विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। अंकुर ने पिता को बताया कि खार्किव में हो रही भारी बमबारी की हलचल रेलवे स्टेशन के निकट भी महसूस की जा रही है, रेलवे स्टेशन के आसपास भी बमबारी हुई है, जिससे हजारों विद्यार्थियों में दहशत का माहौल है। गुड इवनिंग एवरीवन, मायसेल्फ अंकुर चंदेल फ्रॉम खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। सो आज ये वॉर का 7th या 8th डे है और आज भी हम यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। सो बेसिकली आज हमने एक रेस्क्यू प्लान सब बच्चों ने मिलके बनाया था, कंसल्टेंसी ने मिलके बनाया था, कि आज हम सुबह यहाँ से निकल रेलवेज की हेल्प से निकल जाएंगे यहाँ से। तो बेसिकली आज सारे बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM सारे रेडी होके ऑन फुट रेलवेज की तरफ 11 किलोमीटर चलकर पहुँचे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे हम रेलवेज पे पहुँच गए थे। और जैसे ही हम रेलवेज पे पहुँचे, ड्यू टू हैवी बम्बार्डिंग, मतलब इन द रेडियस इतनी नज़दीक थी वो रेलवे स्टेशन से कि मतलब वी कैन फील द वाइब्रेशंस, कि रेलवे स्टेशन पूरा मतलब हिल रहा था, जिसकी वजह से हम सारे अंदर मेट्रोस के अंदर एक तरह से काइंड ऑफ बंकर में मतलब सेफ हो गए मतलब वहाँ पे। फिर जैसे हमें नोटिफिकेशन मिली कि हमारी जो ट्रेन है जो हमें खार्किव से लवीव तक ले जाने वाली थी वो प्लेटफॉर्म पे रेडी थी, तो सारे बच्चों ने वहाँ से निकल के जब हम बाहर गए ट्रेन के पास, तो हमें एक चीज़ देखने को मिली कि हमें बिठाया ही नहीं जा रहा था, मतलब हमें प्रायोरिटाइज ही नहीं किया जा रहा था कि इंडियंस भी कोई है यहाँ पे फंसे हुए। उन्होंने यूक्रेनियंस को, सारे यूक्रेनियंस को लाइन में लगा के एक एक करके अंदर भेजा है, और सिर्फ हमारे इंडियन हज़ारों बच्चों में से सिर्फ 20 से 25 लड़कियाँ रेलवे के थ्रू आज के दिन रेस्क्यू होके यहाँ से लवीव को गए हैं, और हम इतने सारे बच्चे आज फिर से यहाँ रह गए। जब फिर हमारी फिर से जो ट्रेन थी, जो आज दिन की दूसरी रेस्क्यू ट्रेन थी, उसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, हालांकि फायरिंग भी हुई वहाँ पे, उन्होंने डराया और इंडियन बच्चों को, एक भी बच्चे को बैठने तक नहीं दिया उन्होंने ट्रेन पे। तो ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम रेस्क्यू किस हिसाब से करें। तो आज हम रेलवे स्टेशन से पैदल 15-16 किलोमीटर एक सेफ प्लेस में हमें इवैक्यूएट किया गया है, पैसोचिन में इवैक्यूएट किया गया है। तो अब हमें पता नहीं है कि हम कब तक यहाँ पे सेफ रहेंगे, कब तक चीज़ें ठीक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी जल्दी से जल्दी कुछ सुझाव निकाले, जिससे हम जल्दी घर आएँ। सबके घर वाले पैनिक हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ रही है, इतनी बिगड़ रही है कि मौके पे जब हम जा रहे थे, जब हम इस जगह पे आ रहे थे, तो लिटरली हमारे सामने मिसाइल्स गिर रही थी। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट एम्बेसी से कि प्लीज़, मतलब अगर आप कुछ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिचुएशंस डे बाय डे बिगड़ती जा रही हैं, हैवी बम्बार्डिंग हो रही है या स्ट्राइक्स हो रही है, कोई भी जगह सेफ नहीं बची हुई आज की डेट में। तो हम रिस्क ना लेने के बजाय, आप अगर हमें जल्दी से कुछ सुझाव दे के हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम बच्चों के लिए उसका वो होगा। बाकी कब तक हम इधर से उधर भागते रहेंगे पैदल, सुबह से शाम तक पैदल इधर से उधर करते रहेंगे, आर्मी के बीच से जाते रहेंगे, तो वो काइंड ऑफ सेफ तरीका तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन रस्तों से हम जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी पहले से बम्बार्डिंग हो चुकी है, कुछ बचा नहीं हुआ है वहाँ पे, मतलब जंगल के जंगल बिछ गए हुए हैं, दुकानें फट गई हुई हैं, मतलब वो जब हम चलती बार भी जब हम देखते हैं वो चीज़ें, तो मतलब एक दिल को वो होता है कि हम कहाँ फंस गए हुए हैं।
तो यही मांग है हमारी सरकार से कि प्लीज़ यहाँ जल्दी से जल्दी कुछ हेल्प भेजें, हमें निकालें, और कुछ ऐसी हेल्प जो जेन्युइनली हमारे लिए हो, ना कि उसका फ़ायदा कोई और उठाए कि जैसे रेलवेज है तो यूक्रेनियंस वहाँ पे जा रहे हैं और हमें वहाँ पे हेरासमेंट हो रही है कि मतलब हमारी हेल्प ही नहीं हो रही है वहाँ पे। हम जा रहे हैं वहाँ पे और एक तो रिस्क में जा रहे हैं कि वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है या स्ट्राइक्स हो रही है, और फिर भी हमें वहाँ से धकेल के बाहर भेजा जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हम बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली हम बच्चों के लिए कुछ एक जेन्यून सा रेस्क्यू प्लान बनाएं जिस हम जल्दी घर आ सकें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।